जय हिंद टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। और आज जो हमारा वीडियो आ रहा है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और वो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अभी पीजी में एडमिशन ले रहे हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि आज इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ने अपनी यूजी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट को रिलीज़ कर दिया गया है, जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सों में एनरोल्ड होना चाहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे उनको आप देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जाते ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की, उस पर क्लिक ऑन करना है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जब स्क्रॉल करेंगे आप, तो उसमें से जो एडमिशन नाम से जो पोर्टल होगा, जो ये दिख रहा है एडमिशन नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। और आज ही 28 अक्टूबर को ही उन्होंने रिलीज़ किया है रिसेंटली, तो आप देख सकते हैं ये रहा प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एडमिशन ऑफ पीजी एंड बीएड कोर्सेज एडमिशन 2022 एंड 2023। और उनकी जो एडमिशन फ़ी पेमेंट की स्टार्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है, और 5 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी जब यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी। तो देख सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, ये देखिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वी टू पे द एडमिशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन लिंक प्रोवाइडेड बिलो बाई सीयूएट पीजी समर पोर्टल 2022। उस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू आपको एडमिशन फ़ी फिलअप करनी है। तो ये देख सकते हैं कि एम वॉक इन टेक्नोलॉजी, एम ए इन फिलोसफी, एम वॉक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं उनके रिलेटेड यहाँ पर दी गई है लिस्ट। आपका जो भी एडमिशन लेने का जो भी फील्ड हो उसमें आप सेलेक्ट करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि आपका इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ नहीं है। तो हम एक लिस्ट को पर्टिकुलर खोलेंगे, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स एम ए एम एस सी इन ज्योग्राफी की लिस्ट करिए खोलेंगे सबसे पहले। तो ये हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था, तो वापस हमें डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। तो जैसे लिस्ट डाउनलोड होगी उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं वो हमें अभी सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या रही है लिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट है एम ए एम एस सी इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इस बार जो टॉप स्कोरर है वो 267 मार्क्स और 99.82 परसेंटाइल। बहुत ही गजब और बहुत ही कंपटीशन का मामला है इस बार, क्योंकि ऑल इंडिया पे फाइट हो रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। तो हम आशा करते हैं कि इस बार जो इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी में जो नए नए स्टूडेंट्स आएंगे वो ऑल ओवर इंडिया से बेहतर जो कहते हैं कि क्रीम है वो उनमें एंट्री लेगी। टोटल अप्रोक्स मैंने इस लिस्ट को पहले चेक किया था, तो टोटल अप्रोक्स 38 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अब मुद्दे की बात यह है कि जिन जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है वो सबसे पहले जिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रखा है और अभी जिनका हुआ है, तो उनको सबसे पहले एडमिशन फ़ी रिसिप्ट उनको भरना पड़ेगा, फ़ी भरना पड़ेगा। उसके बाद उनको एडमिशन पूरा प्रोसीजर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। फ़ी भरने के लिए उनको स्पेशल समर्थ पोर्टल है, वहाँ पर जाके जो एजेंट की जो इन्होंने यूजी में या पीजी में जब भी उन्होंने लॉगिन किया था तो उसका जो एप्लीकेशन नंबर है और उसका पासवर्ड वो डाल के आगे जो फ़ी का प्रोसीजर रहता है वो आप उसको पूरा फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद आप इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में उसका पार्ट बन सकते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसीजर रहेगा, वो स्टेप बाय स्टेप रहेगा, और इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी हमेशा नोटिस जारी करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कुछ नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।